दोस्तों हम सभी ने बचपन में बिजली के खराब बल्ब और ट्यूबलाइट तोड़ने का काम किया होगा और उसके तोड़ते समय उसमें से एक हल्के से धमाके की आवाज सुनाई देती थी। यही आवाज सुनना हमें बहुत ही मजेदार लगता था। खैर अब सवाल ये उठता है कि बल्ब या फिर ट्यूबलाइट फूटते समय उसमें से धमाके की आवाज क्यों आती है? तो दोस्तों इसी सवाल का जवाब आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों दरअसल आपने पुराने बल्ब को देखा होगा जिसमें आंशिक रूप से नाइट्रोजन मिश्रित ऑर्गन गैस होती है। इन बल्ब में नाइट्रोजन 20-30% और आर्गन गैस 70-80% होती है। इसमें वातावरणीय दबाव की तुलना में 0.3% दबाव होता है जो कि बहुत ही कम है। इसके बाद फ्लोरोसेंट बल्ब जिसमें CFL जैसे बल्ब आते हैं, इनमें भी आर्गन और नाइट्रोजन गैस के साथ साथ हीलियम, नियोन, क्रिप्टोन जैसी निष्क्रिय गैस होती है और इसमें मर्क्यूरी वाष्प के रूप में होता है, लेकिन इन गैसों को बहुत ही कम दबाव पर भरा जाता है। इसलिए होता यह है कि जब हम इन बल्बों को फोड़ते हैं तो बाहर के वातावरण की हवा उस कम दबाव वाले स्थान को भरने के लिए बहुत ही तेजी से अंदर चली जाती है और हवा की इसी तेजी से खाली जगह को भरने की प्रक्रिया में धमाके जैसी आवाज सुनाई देती है। तो दोस्तों यही वजह है कि जब भी हम कोई बल्ब या फिर ट्यूबलाइट फोड़ते हैं तो उसमें से हल्की सी धमाके की आवाज सुनाई देती है। तो दोस्तों अब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही नई जानकारी के साथ।